साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांचें जारी हैं, चाहे सीबीआई की हो, ईडी की हो या फिर एनसीबी की, सभी अपनी अपनी अलग जांच कर रहे हैं। हालांकि एनसीबी ने अपनी 52,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है, लेकिन फिर भी एनसीबी की जांच जारी है और बहुत जल्द एनसीबी एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने वाली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट तैयार कर ली है। जी हाँ, सीबीआई की चार्जशीट करीब तैयार हो चुकी है और इसे कोर्ट में दाखिल करने की तारीख भी मांगी गई है। और इसे ही लेकर कुछ दिन पहले देश के बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बड़ा इशारा किया था, जिसके बाद बड़ी खबर चार्जशीट और उसमें शामिल आरोपियों को लेकर आई है। और बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई ने इसे लेकर कोर्ट से तारीख मांगी है। एक और बड़ी बात यह है कि चार्जशीट में 5 नाम शामिल हो सकते हैं जिन पर सबसे गंभीर आरोप हैं, सबसे बड़े आरोप हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्या है चार्जशीट के अंदर और कौन सी है इंसाफ वाली वो तारीख, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 9 महीने से इंतजार हो रहा है कि सच सामने आएगा, आज आएगा या फिर कल आएगा। सुशांत के साथ हुए 14 जून की वारदात का खुलासा होगा, लेकिन इंतजार महीने दर महीने बढ़ता ही चला गया। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट खबर यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट तैयार कर ली है और इसे लेकर कुछ दिन पहले बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बड़ा इशारा दिया था। स्वामी पहले दिन से इस केस को फॉलो कर रहे हैं और लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सुशांत को मारा गया है और सुशांत से पहले दिशा सलियान को भी मारा गया। हालांकि अब तक ये बात साबित नहीं हो पाई है, मगर स्वामी आरोप लगाते रहे और सीबीआई की जांच भी जारी है। अब सूत्रों के हवाले से इसे लेकर ही सबसे बड़ी खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई की जांच पूरी हो गई है। जी हां, यही खबर है कि एसएसआर की जांच पूरी हो गई है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कोर्ट से चार्जशीट के लिए वक्त मांगा है, तारीख मांगी है और अप्रैल के पहले हफ्ते में सुशांत मामले की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जा सकती है, क्योंकि लंबे समय बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुशांत मामले पर अपडेट दिया था और एक बार फिर कहा था कि सुशांत और दिशा का मर्डर ही हुआ था जिसे सुसाइड का रूप दे दिया गया। और स्वामी के स्टेटमेंट की टाइमिंग को लेकर भी कई बातें कही जा रही थी और इसीलिए इस बयान के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में सुशांत मामले में चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो सकती है, क्योंकि सीबीआई ने हर पहलू से जांच पूरी कर ली है, हर तरह के सबूत जुटा लिए हैं और सभी गवाहों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। सीबीआई ने इस बार लो प्रोफाइल होकर जांच की है, लेकिन चार्जशीट में कई बड़े खुलासे, कई हाई प्रोफाइल नाम होने की संभावना जताई जा रही है। अब सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में क्या हो सकता है वो आपको बता दें और आप भी समझिए कि चार्जशीट से इंसाफ का पहला कदम कैसे आगे बढ़ सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत को मारने को लेकर सुशांत के पिता ने पटना में केस दर्ज कराया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी थी और रिया के पिता के साथ रिया का भाई शौविक समेत 5 आरोपी थे और इसी केस को बाद में सीबीआई को सौंपा गया। यानी सीबीआई के केस में भी रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है और रिया का भाई शौविक भी प्रमुख आरोपी है। इसी मामले में बाद में सीबीआई ने कुछ और नाम भी जोड़े थे और बड़ी खबर यह है कि सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि सुशांत के साथ कुछ तो गलत हुआ था। जी हां, सीबीआई सूत्रों से आ रही खबर के मुताबिक ये माना जा चुका है कि सुशांत के साथ गलत हुआ था और लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में यह भी लिखा गया है कि सुशांत सिंह फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे, जिसे लेकर पहले भी कई बातें आई थी और केरल में सुशांत बसना चाहते थे। चार्जशीट में यह भी लिखे होने की संभावना है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत को मुंबई छोड़ने से रोका था और उसी दबाव में सुशांत मुंबई के फ्लैट में रह रहे थे। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता चलना अभी भी बाकी है, लेकिन चार्जशीट की जो लीक्ड चीजें हैं, जो लीक्ड बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अप्रैल के पहले हफ्ते में
कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो सकती है, क्योंकि कोर्ट से सीबीआई ने वक्त मांग लिया है, समय मांग लिया है, जिसके बाद रिया का पूरा खेल सामने आ जाएगा, क्योंकि इस केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ही है। अब हालांकि इस चार्जशीट की पूरी बातें, इस पूरे खुलासे की सारी बातें अभी सामने नहीं आई हैं, पता नहीं चल पाई हैं, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि रिया चक्रवर्ती का नाम एनसीबी के ही केस की तरह सीबीआई के केस में भी सबसे ऊपर है, और इसे लेकर बहुत जल्द सीबीआई बड़ा खुलासा करने जा रही है, और इसीलिए माना जा रहा है कि रिया की मुश्किलें बहुत जल्द एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अचानक सुशांत को लेकर स्टेटमेंट जारी कर दिया, और हो सकता है कि स्वामी को भी इसकी कोई बड़ी जानकारी हाथ लगी हो, तभी तो इतने दिनों बाद स्वामी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और सुब्रमण्यम स्वामी ने सामने आकर सुशांत को लेकर एक बार फिर से अपना स्टेटमेंट जारी किया और एक बार फिर से वही आरोप दोहराए जो पिछले कई महीनों से स्वामी लगातार दोहराते जा रहे हैं। यानी कि अप्रैल में वो बड़ा दिन आ सकता है जब सुशांत के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो सकती है, और वो दिन कौन सा होगा अभी इसे लेकर समय कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। तो आपका क्या मानना है, क्या सुशांत की चार्जशीट से असली इंसाफ हो पाएगा या फिर अभी भी आगे इंतजार ही करना होगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो सुब्रमण्यम स्वामी शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए हैं और वो लगातार सुशांत और दिशा सलियान मामले में कुछ न कुछ अपडेट देते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी से सुशांत के फैंस को बहुत उम्मीदें थी कि वो सुशांत को न्याय दिलाएंगे, मगर बीच में स्वामी जी भी सुशांत केस से दूर हो गए और बहुत दिनों तक इस मामले में चुप्पी साध ली। मगर अब बहुत दिनों बाद एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान को लेकर मुंह खोला है, जिससे गुनहगार बेनकाब हो गए हैं। तो पहले आपको स्वामी जी की वो पोस्ट बताते हैं। तो स्वामी जी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिशा सलियान्स मर्डर इज मच इजियर टू प्रूव, हर मर्डर ड्रूव सुशांत टू डिप्रेशन एंड इट वॉज इजी टू मर्डर हिम दैट सिचुएशन एंड ट्राई टू मेक इट लुक लाइक सुसाइड। But it is difficult to disclose more clues since Bollywood is a sink hole of gangster and sex crazy politicians. जी हाँ, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करें तो स्वामी जी ने कहा, दिशा सलियान को मारकर बहुत आसान था सुसाइड प्रूव करना, उसके मर्डर के बाद सुशांत की हालत का फायदा उठाकर उसे भी मारना बहुत आसान था, और दिशा की मौत का हवाला देकर सुशांत के मर्डर को डिप्रेशन में सुसाइड बताना और भी आसान था। मगर सबसे मुश्किल ये है कि सबूतों को लाना, क्योंकि बॉलीवुड ऐसे गटर का कुआं है जिसमें गैंगस्टर और सेक्स क्रेजी पॉलिटिशियन भरे पड़े हैं। मतलब स्वामी जी ने साफ साफ दिशा सलियान और सुशांत के मर्डर के पीछे बॉलीवुड के गैंगस्टर और पॉलिटिशियन के नाम भी ले डाले। स्वामी जी के बयान से साफ हो गया है कि शायद सीबीआई की जांच भी पूरी हो गई है, और बयान से जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि सीबीआई जान चुकी है कि न सिर्फ दिशा को बल्कि सुशांत सिंह राजपूत को भी मारा गया, और दोनों की मौत को खुदकुशी साबित करने के लिए एविडेंसेस को खत्म कर दिया गया, क्योंकि दोनों की मौत के पीछे ताकतवर लोग शामिल हैं। इनके खिलाफ सबूतों को इकट्ठा करना सीबीआई के लिए मुश्किल हो रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।